नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कृष्णा रिंकी ब्लॉग में आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। और अभी सुबह सुबह का बज रहा है 8। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी दोस्तों को कृष्णा रिंकी ब्लॉग की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, दीदी भी तैयार है और स्वीटी भी तैयार है और रिंकी जी तो इतना खुश है कि पूछिए मत। कल जो टिकट दिखाए थे तो इसका जो टिकट दिल्ली का टिकट बना है दोस्तों। और इनकी मम्मी और इनके पापा, मतलब इनका फुल फैमिली, यानी कि मेरा ससुराल वाला वाले दिल्ली में रहते हैं। और वहीं पे आज बहुत दिन के बाद, लगभग 8 साल के बाद, रिंकी जी दिल्ली जा रही हैं और टुक टुक पहली बार जा रहा है और स्वीटी दूसरा बार जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए, पूरा खुश है। और ये अपने भाई के साथ में जा रहा है, यानी कि मेरा साला आया हुआ है। तो हम लोग अभी दीदी के घर में है, चास में रुके हुए हैं, मुस्कान हॉस्पिटल के जस्ट बगल में। तो और यहाँ से अभी हम लोगों को टेम्पू से, ऑटो से हम लोगों को जाना है बोकारो रेलवे स्टेशन। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए। और बोकारो रेलवे स्टेशन से फिर हम लोगों को रिंकी जी को गाड़ी चढ़ा करके हम और हम फिर वापस जाएंगे अपना घर अम्बाटन। तो आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिए। और अभी हम लोग थोड़ा देर में हम लोग निकलने वाले हैं स्टेशन। तो दोस्तों, बैग रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और रिंकी जी तो आज इतनी खुश है, कुछ पूछिए मत, क्योंकि अपनी माँ के पास जा रही है तो ये बहुत खुश है। और साथ में दीदी भी जा रही है हम लोगों को स्टेशन छोड़ने के लिए। हम और दीदी वापस आ जाएंगे। तो अब आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हम लोग चले यहाँ से ऑटो पकड़ के और स्टेशन। मामा जी, अरे दोस्तों, हम लोगों को टेम्पू मिल चुका है और रिंकी जी लोग बैठ चुकी है। और अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों स्टेशन। तो दोस्तों, हम लोग रेलवे स्टेशन बोकारो का पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यह है बोकारो का रेलवे स्टेशन दोस्तों। और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी यहां पे 9:50 में गाड़ी है दोस्तों रिंकी लोगों का दिल्ली के लिए। तो अभी हम लोगों को लगभग यहां पे 1 घंटा वेट करना है। और आप लोग ब्लॉग के साथ में बने रहिए। ऑलरेडी हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब यहां पे चल रहा है वेटिंग। और अभी 1 घंटा हम लोगों को वेट करना है। और टुक टुक को आप देख सकते हैं, बहुत खुश है, अपना नानी से मिलने के लिए जा रहा है ना बेटा, नानी से मिलने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, रिंकी लोग पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं जिनके साथ में जा रही है रिंकी, और उनका लगेज आप देख सकते हैं कितना सारा लगेज है। और ये लोग लगभग 20 व्यक्ति हैं। और ये जो दिख रहा है ये मेरा साला है और इसका पूरा टीम आया हुआ है दिल्ली से, आप देख सकते हैं। और एक बोगी में तो पूरा लगेज ही है। और इनकी जी आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खुश है अपने भाई से मिलकर, पूरा खुश दिल्ली के लिए।
ये है दोस्तों भाभी, आप देख सकते हैं जो हमारा साला है भाई, और ये साथ में सभी लोग जा रहे हैं, और रिंकी जी इन्हीं के साथ में जा रही है। दोस्तों आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और बस जितना देर लगेगा इन लोगों को बैठने में। साइड है रिंग साइड, ट्रेन में बैठ चुकी है दोस्तों। ऑलरेडी चल चुकी है गाड़ी में, आप देख सकते हैं, और अब ये गाड़ी 5 मिनट में यहाँ से खुलने वाला है। अच्छी की टुक टुक हम लोगों को देख रहे हैं। तो दोस्तों गाड़ी खुल चुकी है, रिंकी जी दिल्ली जा रही है। टुक टुक बाय तो दोस्तों अभी हम लोग रिंकी को गाड़ी बैठा चुके हैं, और अभी एक जो ये लेडीज आप देख रहे हैं, ये अभी ट्रेन से गिर गई थी, अभी तुरंत हम उठाएं इसको, और बहुत टेंशन हो गया दिमाग में, अभी भी छाती मेरा धक धक कर रहा है। तो रिंकी को ट्रेन बैठा करके और स्टेशन से, और हम लोग चल रहे हैं अब दीदी का घर, और यहाँ से फिर हमको निकलना है दोस्तों लगभग 15 से 20 मिनट में। अपना भगनी हमारी साथ में जा रही है, छोटी वाली भगनी प्रकृति। तो अभी हम लोग फिर से निकलेंगे और यहाँ से धनबाद, और धनबाद से फिर हम लोग गाड़ी पकड़ के और घर चलेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों भगनी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और बैग भी रेडी हो चुका है, और ये प्रकृति हमारे साथ जा रही है आप मेरे घर नाना जी के पास और नानी जी के पास। और अभी हम लोग 5 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, 5 मिनट बाद, और हम लोग बस से जाएंगे यहाँ से धनबाद दोस्तों, और वहाँ से फिर ऑटो से तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी बस में बैठ चुके हैं, अभी चार्ज में है, और लगभग यहाँ से 2 घंटा लगेगा, में हम लोग जा करके उतर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से ऑटो पकड़ के और फिर चलते हैं दोस्तों घर। बने रहिए दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और भगनी को बहुत ज़ोर से भूख लग गया है, और हम लोग दोनों बैग टांगे हुए हैं, और बाइक भी लेके सोनू नहीं आया है, क्योंकि पापा जी को हटिया जाना था, तो बाइक से छोड़ने के लिए चल गया था भैया, मेरे बड़े भैया। तो बस 10 मिनट में हम लोग घर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम घर आने के बाद और चले गए डायरेक्ट हम पापा के पास, क्योंकि हटिया में पापा अकेले थे, और हटिया जाने के बाद दोस्तों अभी आए हैं हम घर हटिया से, और अभी बज रहा है रात का 8 बजने वाला है दोस्तों, और भगनी को आप देख रहे हैं सोनू और मोनू के साथ में बैठी हुई है, अभी पढ़ाई कर रही है, और पढ़ाई भी कर रही है और पढ़ाई करवा भी रही है दोस्तों, और भाभी भी अभी खाना बनाने के लिए जा रही है। तो आशा है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों अगर आप नए व्यक्ति हो तो। कल फिर मिलता है एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।